हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं लेके आई हूँ गाइस घुइयां के पत्ते की रेसिपी। तो गाइस घुइयां के पत्ते की रेसिपी किस तरीके से बनती है आप पूरी वीडियो देखेंगे तो लगेगा कि हाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये घुइयां के पत्ते। तो गाइस ये घुइयां के पत्ते जो होते हैं बहुत ही आसानी से आपको सब्जी मंडी में मिल जाएंगे, और ये इस तरीके से घुइयां के पत्ते होते हैं। तो ये पत्ते मैंने ले लिए हैं, और पत्ते जो हैं एक एक पत्ते खोल कर इस तरीके से देखना है कि वहीं कीड़ा वगैरह ना हो। अच्छे से धोने के बाद इसको धोएंगे दो तीन पानी से। तो इस तरीके से जो पत्ते हैं इसको पहले मैंने खोल के सब देख लिए हैं, और सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा वैसे, क्योंकि हरी सब्जी है, हरी सब्जी को दो तीन पानी से ही धोना पड़ता है, और जितने अच्छे पानी से धोएंगे, ज़्यादा पानी से, तो उतना ही बढ़िया परफेक्ट आपके बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनके तैयार होगी। तो गाइस मिस नहीं कीजिएगा, और चलिए फटाफट बनाते हैं घुइया के पत्ते की सूखी सब्जी। इसकी रसीली सब्जी ही बनती है, मैं सूखी बना रही हूँ, आप चाहें तो रसीली भी बना सकते हैं, और उसमें चावल से खाइए या रोटी से खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। तो गाइस इसको पहले दो तीन पानी से मैं धो लूँगी, और धोने के बाद, और इसके लिए बनाने के लिए मैंने गैस लिया है बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन। तो लहसुन की मैंने पूरी काठी ली है, प्याज की दो काठी ली है, तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिए हैं। और मैंने लिया है एक कटोरा बेसन, तो मैंने 250 ग्राम समथिंग लिया है, और ये पत्ते हैं। तो गैस सबसे पहले तो घुइयां के पत्ते धो लेते हैं। तो गैस मिलते हैं धोने के बाद। तो गाइस घुइयां के पत्तों को मैंने धो लिया है, धोने के बाद आप देख सकते हैं कि ये धुलने के बाद भी बिगड़ धुले लगते हैं, क्योंकि अब इसमें पानी जो है इसमें टिकता नहीं है, तो इसको हाथ से धोना पड़ता है इस तरीके से। अब कितना भी पानी इसमें डालो पत्ते में रुकता नहीं है पानी, और ये क्योंकि तालाब में होते हैं वैसे, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो गाइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो पत्तों के लिए जो इसकी डंडी होती है इसको निकाल देंगे। तो डंडी चाकू लेंगे, और चाकू से इस तरीके से ये डंडी जो ऊपर की होती है इसको इस तरीके से निकाल देना है। और आप चाहें तो जैसे घुइयां के पत्ते की अगर वो वाली दूसरी रेसिपी चाहिए हो तो वैसे बताइएगा, तो वैसे बना दूंगी। जैसे इस तरीके से घुइयां का पत्ता बिछा लेते हैं, तो बेसन का लेप लगा के इसका रोल कर लेते हैं, इस तरीके से रोल कर लेते हैं, और रोल करने के बाद इसके पीसेस काट लेते हैं। तो एक मैं नए तरीके से बना रही हूँ, आप पूरी रेसिपी देखिएगा तो आप बताइएगा। तो गाइस मैंने ऐसे डंडी डंडी निकाल देंगे इधर की, और इसके छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से काट लेंगे, कोई भी शेप में काट लीजिएगा, थोड़ा बड़ा काटिएगा, ज़्यादा महीन नहीं करिएगा। तो इस तरीके से मैं काट ले रही हूँ। मिलते हैं गाइस सारे पत्ते काटने के बाद। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं छोटे छोटे पीसों में काट रही हूँ। तो गाइस पत्तों को मैंने इस तरीके से काट लिए हैं, और काटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इसके लच्छे इस तरीके से निकल आएंगे। तो मैंने थोड़े बड़े ही कटिंग करी है इस तरीके से, तो ये परफेक्ट कट के तैयार हो गए हैं। एक बड़ी थाली ले लेंगे, चाहे तो आप परात ले लीजिए जो भी अवेलेबल हो आपके पास। तो इस तरीके से ये पत्ते इसमें डाल देंगे, और मैंने लिया है बेसन एक कटोरा, तो इसमें बेसन मैं डाल दूंगी। तो अभी थोड़ा डालेंगे ना, मैंने बचा लिया है। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा टीस्पून से कम टर्मरिक पाउडर। गैस ऑन करेंगे, गैस पर रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे पानी 2 गिलास समथिंग, पानी को गर्म करेंगे। पानी गर्म हो रहा है गाइस, और मैंने लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, और कढ़ाई पे चढ़ा दिया है पानी, और जो मैंने लिए थे घुइया के पत्ते, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। वो मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसका डो इस तरीके से बनाएंगे, जो गाढ़ा डो होता नहीं है, जैसे पकौड़ी वाला नहीं गाढ़ा, जैसे पराठे का डो तैयार करते हैं उस तरीके से डो बना के तैयार कर लेंगे
इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इस प्रोसेस से गाइस अगर आप बनाएंगे कुहिया के पत्ते तो आपके चटपटे बनेंगे, मसालेदार बनेंगे, और ये जैसे कड़वाते हैं बीच में पड़पड़ाते हैं, तो इस प्रोसेस से बनाएंगे तो पड़पड़ाएंगे नहीं और जीभ में जैसे लगते हैं अजीब से चटपटे चटपटे से, वैसे अजीब टाइप के वो नहीं लगेंगे। देखो अपन, और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी है, जैसे कि ना पूड़ी का पराठे का डो इस तरीके से तैयार नहीं करना है, और ना ही देखो पूड़ी का डो तैयार कर लेंगे तो पूड़ी के डो में आपका बहुत ही ज़्यादा वैसा बनेगा, टाइट बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि परफेक्ट तैयार हो गया है, और ये सॉफ्ट है, इस तरीके से आप दबा के देख सकते हैं कि सॉफ्ट है, तो सब तरह से इस तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए, तो हाथों में इस तरीके से मैश करें तो ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे तो ये सॉफ्ट हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पानी गर्म हो चुका है, और जो बेसन का जो मैंने इस तरीके से डो तैयार किया था ये, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले लेंगे और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इस तरीके से, और ये जो डो बनाया था इसको लंबे शेप में बना लेंगे इस तरीके से, और इसमें डाल देंगे। तो इसी तरीके से जितना मैंने डो तैयार किया था उसके इस तरीके से पतले पतले लंबे लंबे बना लेंगे बेसन के, और ज़्यादा मोटे नहीं ना ज़्यादा पतले, ठीक साइज़ के हों, इसमें डाल देंगे। इस तरीके से अपने हिसाब से इस तरीके से कर लेना चिकना, और ये गोल शेप हो गया है लंबे शेप में, और इसमें कढ़ाई में डाल देंगे इसी तरीके से सारा डाल देंगे जो बनाया है मैंने। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने गुइया के पत्ते के बेसन में मिक्स करके और इसमें कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसको उसी थाली से ढक देंगे और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। सो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुका है, अब जो है खोल के देखेंगे कि कैसे बने हैं गुइया के पत्ते की रेसिपी। तो ये मैंने हटा दिए हैं, अब इसकी दिशा चेंज कर देंगे और इसको पलट देंगे, गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से परफेक्ट बन चुके हैं ये। पलट दिए हैं और गैस को हाई फ्लेम पर कर दिया है। अब गैस इसको निकाल लेंगे उसी थाली में इस तरीके से, तो गैस इस तरीके से मैंने निकाल लिए हैं। अब निकालने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद इसके पीसेस काटेंगे। तो गैस इसको दिखाते हैं पंखे की हवा और करते हैं ठंडा, मिलते हैं ठंडा करने के बाद। तो गाइस कढ़ाई का पानी जो है वो फेंक देंगे, कढ़ाई को पोंछ लेंगे उसी कढ़ाई में ही, फिर इसको कढ़ाई को रखेंगे और कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो रहा है, इस तरीके से इसको गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या रहता है कि ये जो तेल की झार होती है वो खाने में वैसा नहीं लगता है, चपराता नहीं है, तो तेल को बहुत अच्छे से गर्म कीजिएगा, और क्योंकि ये कच्ची खानी का तेल है। और इसमें डालेंगे नमक, नमक डालने से क्या रहता है कि ये जो है तेल की झार ख़त्म हो जाती है और ये अच्छे से पक भी जाता है। तो ये गर्म हो चुका है, तो मैंने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन, ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें मैंने नमक अच्छे से डाल दिए है स्वाद अनुसार, अब जो ये डाल देंगे प्याज लहसुन, चाहे तो आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, इसको भून लेंगे
बस गैस जो है अच्छे से भूनना है और ज़्यादा जलाना नहीं है, गैस को लो फ्लेम पर कर देना है और इसको गुलाबी करेंगे। तो गैस इस तरीके से गुलाबी हो चुका है प्याज और जैसे कि ये गुइया के, इसको गाय बोलते हैं गुइया के पतौड़ा, तो या पतौड़ा भी बोल सकते हैं या गुइया के भाई पतौड़े भी पकौड़े जो भी अवेलेबल हो उसके पास, जो भी सोच लो वैसे कह सकते हैं कि वैसे तो इसको पतौड़े ही बोलते हैं। तो मैं इसको पंखे की ठंडी हवा दिखाने के बाद, ये ठंडा हो चुका है, अब ठंडा होने के बाद इसको छोटे छोटे पीसों में कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मैंने लिए हैं एक प्लेट में रख के और इसको इस तरीके से काट लेंगे। इसको बराबर इसी तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से काट लिए हैं, प्याज गुलाबी हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, डेढ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक ऑलरेडी पहले ही डाल दिया था, और गरम मसाला आधा टीस्पून। अब इसको चलाएंगे, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से करेंगे। और इसकी ग्रेवी को चाहे तो आप प्याज पीस भी सकते हैं, मैंने प्याज पीसा नहीं है, प्याज के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है रेसिपी। तो मसाला गैस फ्राई हो चुका है, अब जो भैया के जो पतौड़े मैंने इस तरीके से काट लिए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, और जो वाले भी काट लिए हैं दोनों तरीके से काटने के बाद अच्छे से ऐड करेंगे और करने के बाद मिक्स करेंगे कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और इसको फ्राई कर देंगे। इसी गैस अगर आप रसीली सब्जी खाना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको रसीली सब्जी बना के दिखाऊँगी किस तरीके से बनाते हैं। तो इसी में पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद जितना अवेलेबल पानी रखें, आप चावल के साथ खाने के चाहें तो थोड़ा सा गीला रख सकते हैं और सूखा भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरीके से गैस रेसिपी गुइया के पतौड़े की बनके तैयार हो चुकी है। तो ये रही चटपटी मसालेदार गुइया के पत्ते की रेसिपी, इसको सर्व कर लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं कि गुइया के पतौड़े की रेसिपी बनके तैयार हो गई है, और ये मैंने रखी है मोमोज वाली चटनी, और मोमोज वाली चटनी के साथ गाइज खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट लगता है। चाहे तो आप टमाटो सॉस के साथ खाइएगा या हरी चटनी के साथ। तो मोमोज की चटनी की रेसिपी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो गाइज ये रहा ये पतौड़े गुइया के, और इसके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं, और चाय के साथ खाइएगा तो फिर कहना ही क्या है, चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये मैंने एक उठाया इस तरीके से और ये मैं खा के दिखा रही हूँ। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बना है और इस तरीके से परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो चटनी से खाइएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से लगेगा, और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कम्युनिटी ऑप्शन में नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है और कितना टेस्टी लग रहा है, और सब्सक्राइब करना जरूर और भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।